पहली बार हो रही कैबिनेट की वर्चुअल बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने अपने स्वास्थ्य की जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना से किसी को डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने अपनी दिनचर्या बताते हुए कहा कि वे सावधानी के लिए अपने कपड़े स्वयं धो रहे हैं। मैं पूरी तरह से मुझे बुखार नहीं आया है, खांसी भी पूरी तरह से नियंत्रित है, लगातार काम करने का प्रयास कर रहा हूँ। एक अनुभव आपको बताता हूँ मैं, वो भी अपने अस्पताल में अपनी बना रहा हूँ, अपने कपड़े भी धो रहा हूँ, क्योंकि कोविड वाले कपड़े अपन किसी धोने नहीं दे सकते। और कपड़े धोने का भी एक और फायदा हुआ है, मेरे हाथ का ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद फिजियोथेरेपी बहुत कराई लेकिन मुट्ठी पूरी तरह से बंद नहीं होती थी। अब कपड़ा खींच खींच के वो बिना फिजियोथेरेपी के नहीं होता। इससे हमें एक बात जरूर लगती है मुझे कि छोटे मोटे काम अपने हाथों से हम लोग करते रहना चाहिए। और एक बात मैं अपने अनुभव से आपको बताता हूँ कि कोरोना से बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अरविंद भदौरिया जी क्या कहते हैं, रोज बात होती है उनका परिवार भी, लेकिन समय पे हम लोग आ गए तो बीमारी पर नियंत्रण आ गया। और ये मुख्यमंत्री हो, आमजन हो, सबसे करें तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। तत्काल अगर हम बताएंगे और इलाज शुरू हो जाएगा तो कोविड लाइलाज बीमारी नहीं है। सकते जी बैठे हैं सर्दी जुकाम पर बुखार की तरह ही जितना कष्ट होता है तब वही कष्ट होता है, बाकी कुछ नहीं होता, पूरी तरह से हम ठीक हो जाते हैं। तभी तब आती जब ये अंदर लंग्स में चली जाती, वो सावधानी इस बातों को भी रखना चाहिए। मेरी अपील है कि लक्षण है तो बिल्कुल घबराए नहीं, तुरंत बताए बाकी इलाज प्रारंभ किया जा सके और इलाज ना बन सके।